दोस्तों स्वागत है आप सबका इंडिया आसन मरन फैंटेसी क्रिकेट करो यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज आईपीएल लीग स्टेज के आखिरी दो मैच खेले जाएंगे। पहला मैच हैदराबाद और मुंबई के बीच में, सेकंड मैच बैंगलोर और दिल्ली के बीच में। तो फिलहाल हम इस वीडियो में बात करेंगे हैदराबाद और मुंबई के मैच के बारे में कि आज इस मैच में फिर से हमारी फैंटेसी की टीम में किस किस प्लेयर को होना चाहिए, जिससे कि पूरे आईपीएल मैचों की तरह इस मैच में एक बार फिर से हम लाखों रुपए विन कर सकें। जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, जो लोग यूट्यूब पर रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, उन सबको पता है आईपीएल में लगभग 90% मैचों में हमने वन साइड क्लीन स्वीप किया है। तो कुछ मैच बचे हुए हैं, आपने इन मैचेस में अगर प्रॉफिट कमाना है तो कमा लो, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप आएगा। तो आप इस वीडियो को, आपको बता दो लगभग 15 मिनट का वीडियो है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लेते हो तो इस मैच में डेफिनेटली आप जैकपॉट मारने वाले हो। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखोगे। और आपको बता दूं ये मैच शाम को 7:30 बजे स्टार्ट हो रहा है, और जो बैंगलोर और दिल्ली का मैच है वो भी शाम को 7:30 बजे स्टार्ट हो रहा है। तो दोनों मैच एक ही टाइम पर स्टार्ट हो रहे हैं। अभी फिलहाल आप ये वीडियो देख रहे हो, बाकी इसके बाद लगभग 11 बजे मैं आपको सेकंड मैच का वीडियो अपलोड करूंगा, आप वो भी देख लीजिएगा। और एक ही टाइम पर स्टार्ट होने वाले मैचों में आप डबल डबल प्रॉफिट कमा लीजिएगा। बहुत छोटे छोटे वीडियोज हैं, ये 15 मिनट का है, वो भी लगभग 15 मिनट का होगा। तो 30 मिनट का वीडियो देख करके आप लाखों रुपए का प्रॉफिट कमा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग पूरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं लगभग 70% लोग ऐसे हैं जो पूरा वीडियो देखते हैं, और वही लोग प्रॉफिट में जा रहे हैं जो बीच में छोड़ देते हैं वीडियो और फिर वो लॉस हो जाते हैं, फिर बाद में पछताते हैं काश मैं भी पूरा वीडियो देख लेता। तो उम्मीद करता हूँ आप पूरा वीडियो देखेंगे। और साथ ही साथ आपको एक गुड न्यूज दे देता हूँ, जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, जो लोग यूट्यूब पर मुझे रेगुलर देखते हैं, उनको पता है मैंने 3 महीने में, सिर्फ 3 महीने में लूडो खेल करके 2 करोड़ रुपए कमाए हैं, जिसके प्रूफ मैंने टेलीग्राम पर कई बार दिए हैं। तो जो टिप्स मैंने, जो ट्रिक्स मैंने फॉलो करके लूडो में सिर्फ 3 महीने में 2 करोड़ रुपए कमाए हैं, वही टिप्स एंड ट्रिक का वीडियो मैं आपको लाने वाला हूं। कब लाऊंगा, कब अपलोड करूंगा बता देता हूं। देखो आईपीएल के लीग स्टेज के मैच आज खत्म हो रहे हैं, कल हमारे पास एक फ्री दिन है, कल कोई मैच नहीं है, तो कल आपको लूडो का वीडियो आएगा। और लूडो को वीडियो में सबसे बड़ी खास बात है कि उसमें 1 लाख रुपए का फ्री गिव अवे होगा, 1 लाख रुपए का। अब 1 लाख रुपए का गिव अवे कैसे होगा, बहुत सिंपल है, आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं देना, वो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा कि कैसे आपने 1 लाख रुपए का फ्री गिव अवे जीत सकते हो। साथ में जो लूडो की टिप्स है वो आप फॉलो करके सिर्फ 2-3 महीने में लाखों रुपए विन कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आप मेरे लूडो का वीडियो जरूर देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये वीडियो देख लीजिए। और जो नीचे लाइक का बटन है अगर नहीं दबाया तो दबा दो यार, पूरा आईपीएल में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है और उसी प्यार के बदले में मैंने आपको बहुत सारा विन करवाया है। तो आगे भी अगर आप ऐसे ही विन करना चाहते हो और लूडो की जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उनको वीडियो चाहते हो, तो प्लीज जो नीचे लाइक का बटन है उसको दबा दो, एकदम फ्री है। बस आपने वीडियो देखते देखते जस्ट लाइक का बटन क्लिक करना और आपका लाइक हो गया, और मुझे उससे इतना सारा मोटिवेशन मिलता है कि मैं बता नहीं सकता। तो उम्मीद करता हूँ लाइक कर दिया होगा। और गाइस आपको बता दूं आज के वीडियो पे कोई फर्स्ट लाइक फर्स्ट का जो एक गिवअवे होता है वो नहीं है इस वीडियो पे, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगा, आने वाले वीडियोस पे जरूर होगा। तो बात कर लेते हैं मैच के बारे में। ये हैदराबाद और मुंबई का मैच है जो कि शाम को 7:30 बजे स्टार्ट होगा। अब चूंकि अभी मैच का टॉस नहीं हुआ है, प्लेइंग 11 नहीं आई है, कुछ भी नहीं आई है, तो फिलहाल यहाँ पर हम एक एक चीज बारीकी से देखेंगे कि भाई कौन कौन से प्लेयर हैं जो आज परफॉर्म कर सकते हैं, कौन कौन से प्लेयर हैं जो आज हमारी टीम में होने चाहिए, जैसा कि हमने पिछले मैचेस के वीडियोस में डिस्कस किया है, और उन्हीं डिस्कस की वजह से हमने ढेर सारा पैसा कमाया है। लेकिन जो हमारी फाइनल टीम है आपको भी पता है वो टेलीग्राम पर मिलती है। तो जिस भाई ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, प्लीज यार क्या सोच रहे हो, ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, फैंटेसी क्रिकेट गुरु टेलीग्राम चल रहा है। 5,88,000 सब्सक्राइबर पहले जुड़े हुए हैं, इंडिया का सबसे बड़ा फैंटेसी चैनल है, तो आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम पर आपको रोजाना गिवअवेज मिलते हैं, आपको बता दूं टेलीग्राम पर, ओनली ऑन टेलीग्राम पर आपको प्लेऑफ के जो मैचेस हैं, 4 मैच खेले जाएंगे प्लेऑफ के, आपको 1-1 लाख रुपए का हर मैच में टेलीग्राम पर मैं गिवअवे दूंगा, वो यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बात करें हम यहाँ पर इस मैच के बारे में, तो शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा, और पॉइंट्स टेबल में यहाँ पर कोई मायने नहीं रखते पॉइंट्स टेबल, क्योंकि दोनों ही टीमें बाहर हो चुकी हैं। मुंबई के पास एक चांस है कि अगर मुंबई 250 से ज्यादा रन बनाए और 170 से ज्यादा रन की डिफरेंस से मैच जीत रहे तो शायद पहुंच सकती है, बट वो तो इम्पॉसिबल लगता है, बाकी फिर देखते हैं मुंबई क्या सोचती है उसके बारे में। अब बात करें ग्राउंड के बारे में, अबू धाबी मैच है, और अबू धाबी के बारे में आपको बता दूं थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल हो रही है पिच। क्यों हो रही है, क्योंकि आपको
देखना देखा होगा लास्ट मैच में 140 पे हार गई थी आरसीबी, चेज नहीं कर पाई थी, लेकिन उसके पहले 190 का इसको चेज किया गया था इसी ग्राउंड पर। तो आज क्या होगा वो हम पिच रिपोर्ट में जानेंगे टॉस के टाइम पे, ठीक है। तो फिलहाल मेरे हिसाब से यहाँ पर 150 के आसपास टोटल बनना चाहिए और पेसर्स जो है उनको थोड़ी बहुत हेल्प मिलनी चाहिए, पेसर्स को यहाँ पर विकेट मिलने चाहिए, स्पिनर्स को थोड़े बहुत कम विकेट मिल सकते हैं। अब गाइस जिस भाई ने आज माई इलेवन सर्कल ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो भाई कर लो, क्या सोच रहे हो, पूरे आईपीएल माई इलेवन सर्कल ने कितने लोगों को करोड़पति बनाया है। अगर आप भी बनना चाहते हो आपके पास अभी भी कुछ मैच बचे हुए हैं, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में माई इलेवन सर्कल ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप जाइएगा इस वीडियो को देखने के बाद माई इलेवन सर्कल ऐप इंस्टॉल करके साइनअप कर लीजिएगा। अगर आप मेरे लिंक से साइनअप करते हो तो आपको 1500 का फ्री बोनस मिल जाएगा, 1500 का फ्री बोनस जो कि आप अभी आने वाले मैच में यूज कर सकते हो, आप वर्ल्ड कप में यूज कर सकते हो, आप और दूसरे मैचों में यूज कर सकते हो, और पहली बार डिपोजिट करने पर आपको 20% एक्स्ट्रा कैश भी मिलेगा, 20% एक्स्ट्रा कैश मतलब 1000 डिपोजिट किए तो आपको 1200 मिलेंगे, और क्या चाहिए। और वीवीएस लक्ष्मण को हेड टू हेड हराने पर आपको 5 गुना कैश मिलता है। तो जिस भाई ने अभी तक माई इलेवन सर्कल ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में जाकर के इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए के लीडर बोर्ड फ्री में चलते हैं जिनका आप फायदा उठा करके सीधे सीधे फ्री में करोड़पति बन सकते हो। तो बात कर लेते हैं हम यहाँ पर इस ग्राउंड पर खेले गए पिछले मैचेस की, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पर कितना स्कोर बन सकता है और यहाँ पर पेसर्स को और स्पिनर्स को कितने कितने विकेट मिल सकते हैं। पिछले मैच में 141 बनाए हैदराबाद की टीम ने और आरसीबी की टीम बड़े बड़े प्लेयर होते हुए वो टोटल चेज नहीं कर पाई, मतलब बहुत मुश्किल हो रहा था बैटिंग करना उस पिच पर। और उसके पहले मैच में सीएसके ने 189 बनाए और उसको आरआर की टीम ने आसानी से चेज कर लिया सिर्फ 17 ओवर में। तो आप देख रहे हो एक मैच में तो 140 नहीं बन रहे, एक मैच में 190 का टारगेट सिर्फ 17 ओवर में चेज हो रहा है, तो थोड़ा सा ये कंफ्यूज करने वाली बात है पिच की। बाकी मेरे हिसाब से जो पिच है वो 160 के आसपास की होनी चाहिए। हाँ फिर भी जो आखिरी फाइनल रिपोर्ट होगी पिच रिपोर्ट वो जब टॉस होगा तो उस टाइम पे आएगी, तो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई टेलीग्राम ज्वाइन करना जरूरी है अगर आपने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है, तो वीडियो देखने के बाद टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब उसके पहले मैच आप देखेंगे 135 का रहा ये लो स्कोरिंग मैच, और उसके बाद फिर से एक हाई स्कोरिंग मैच रहा 170 का। अब इन मैचेस में विकेट जो गिरे वो किसको कितने मिले इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए टोटल जो 4 मैचेस में विकेट गिरे उसमें 27 विकेट पेसर्स को और 14 विकेट स्पिनर्स को मिले। अब इसमें एक चीज और आप देखोगे, पेसर को पहली इनिंग और सेकंड इनिंग लगभग बराबर विकेट मिल रहे हैं, स्पिनर्स को भी लगभग, स्पिनर्स को तो बराबर ही मिले हैं 7 विकेट पहली इनिंग में और 7 विकेट सेकंड इनिंग में। तो आपने ये डिफरेंस नहीं करना है कि भाई हमने स्पिनर सेकंड इनिंग में लेने हैं या पेसर फर्स्ट इनिंग में लेने हैं, आप दोनों तरह का कॉम्बिनेशन बनाइएगा जिसमें पहली इनिंग में आप पेसर रखिए स्पिनर रखिए, लेकिन स्पिनर्स अपनी टीम में कम रखना क्योंकि स्पिनर्स को विकेट कम मिलते हैं। अब गाइस जो पिछले हेड टू हेड मैचेस है उनमें ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों ही टीम्स ने 50-50% मैच जीते हैं, लेकिन आखिरी के 5 मैच में मुंबई की टीम ने 4 जीते हैं। तो ये एक फायदा मुंबई की टीम को हो सकता है, लेकिन देखते हैं क्या मुंबई की टीम आज 150 रन से मैच जीत पाएगी। अब आखिरी के जो हेड टू हेड मैचे खेले गए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। हैदराबाद की टीम पता नहीं वो इतना अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है हैदराबाद की टीम ने, अदरवाइज हैदराबाद की टीम क्वालिफाई कर सकती थी। डेविड वार्नर जो ऑस्ट्रेलिया का ओपनर है जिसको ऑस्ट्रेलिया ने डिक्लेयर कर दिया है कि T20 वर्ल्ड कप में डेविड वार्नर ओपनिंग करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, उसको लोग बाहर बिठा के सोच रहे हैं कि हम आईपीएल जीत लेंगे। देखिए इस टीम के अगेंस्ट मुंबई के अगेंस्ट आपको सिर्फ एक ही प्लेयर परफॉर्म करते हुए दिखेगा, वो है डेविड वार्नर। 36 रन, 85 रन और उसके अलावा 60 रन, इसके अलावा कोई रन नहीं बनाता। आपको यहाँ पर देखिए शंकर, खलील, साहा, संदीप पांडे, समद पांडे ने जरूर 2 इनिंग खेली है, बाकी उसके अलावा आपको कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो 2-3 मैच में रेगुलर परफॉर्म कर रहा हो वार्नर की तरह पर बैटिंग में। अब ये किसको खिला रहे हैं, ये खिला रहे हैं आपके गर्ग को, अभिषेक को, आपके समद को, जिन बिचारों को हाई स्कोर भी 30 के ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है। तो इन्होंने खुद पैर पे कुल्हाड़ी मारी है और मैं चाहूंगा कम से कम आखिरी विदाई मैच में आज डेविड वार्नर को खिला ले, हालांकि ये इम्पॉसिबल सी बात है क्योंकि इतना जो एक बिगाड़ बन चुका है टीम मैनेजमेंट और वार्नर के बीच में कि वार्नर शायद ग्राउंड पर भी नहीं आ रहे। अब उसके अलावा बात करें हम दूसरे प्लेयर्स की, तो शंकर और खलील और मुजीब ये तो शायद खेलेंगे नहीं। उसके बाद साहा ने 1 मैच में 58 बनाए हैं, संदीप 3 विकेट। आपको बता दूं संदीप जिस तरह से वार्नर परफॉर्म कर रहे हैं बैटिंग में वैसे ही संदीप परफॉर्म करते हैं मुंबई के अगेंस्ट बॉलिंग में, और संदीप के 2 फेवरेट शिकार हैं, फेवरेट जैसे विराट कोहली को संदीप आउट करते हैं वैसे ही रोहित शर्मा को भी संदीप आउट करते हैं, तो इसलिए आपको रोहित शर्मा ज्यादा मैचों में दिखेंगे नहीं इस टीम के अगेंस्ट। देखो 1 मैच में 32 बना रहे हैं और 1 मैच में 24 बना रहे हैं, 4 मैचों में 32 रन रोहित शर्मा का हाई स्कोर रहा है हैदराबाद के अगेंस्ट, क्योंकि ये बंदा चलने नहीं देता रोहित शर्मा को।
अब उसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे संदीप फिर से दो विकेट ले रहे हैं, तो संदीप भी अच्छा खासा परफॉर्म कर लेते हैं इस टीम के आगे। हालांकि आपको बता दूं जो बॉलर्स हैं इस टीम के हैदराबाद के वो लगभग सारे के सारे अच्छा करते हैं मुंबई के अगेंस्ट, आपको आगे पता चलेगा। अब बात करें हम यहाँ पर मुंबई की तरफ से, तो इनके जो ओपनर है जिनको पिछले मैच में ड्रॉप किया गया था डिकॉक, वो हर मैच में रन बनाते हैं इस टीम के अगेंस्ट, हर मैच में 69, 67, 25, 40 हर मैच में। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज भी ये बिना डिकॉक के खेलते हैं या फिर डिकॉक को वापस लेके आते हैं। वैसे आज दोनों ही टीमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगी अगले आईपीएल के लिए, अब देखने वाली बात ये होगी क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। पोलार्ड अच्छी इनिंग खेलते हैं बट ये कभी कभी खेलते हैं भाई, ये रेगुलर नहीं है, अगर रेगुलर खेलते तो आपके बेस्ट कैप्टन होते। हालांकि इस टीम के अगेंस्ट इन्होंने लगभग हर मैच में रन बनाए, पिछले तीन मैचों में हर मैच में इन्होंने स्कोर किया था। पोलार्ड को ट्राई कर सकते हो, अगर इनको बॉलिंग मिलती है तो आपको अच्छे खासी पॉइंट दे सकते हैं। बुमराह और बॉल्ट ये भी अच्छी खासी बॉलिंग करा लेते हैं, चहर को 3 विकेट मिले थे लास्ट मैच में, उसके अलावा बुमराह और बॉल्ट को देखोगे इस मैच में तो कोई बॉलर ही नहीं है। बॉल्ट को इस मैच में 2 विकेट, बुमराह को 2 विकेट, और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर बुमराह को 2 विकेट। तो ये कुछ प्लेयर हैं जो आपको हेड टू हेड में रेगुलर परफॉर्म करते हुए दिखते हैं। अब गाइस बात कर लेते हैं हम यहाँ पर मैच प्रिडिक्शन के बारे में। मैच प्रिडिक्शन आज मुंबई के जीतने के चांस थोड़े से ज्यादा है और मुंबई थोड़े से ज्यादा जोर लगाएगी और एक बड़ा टोटल बनाने के चक्कर में शायद मुंबई तहस नहस इनका बैटिंग ऑर्डर हो सकता है और ये हार भी सकती है मैच को। हालांकि मुंबई के जीतने के चांस 65% है और ये बिना डेविड वॉर्नर के 35% है। अगर वॉर्नर आते हैं तो शायद चांस बढ़ सकते हैं। अब बात करें यहाँ पर हम प्लेइंग 11 की, तो इसमें आप देखोगे आपके रोहित शर्मा और ईशान किशन ओपनिंग करेंगे, उसके बाद सूर्यकुमार यादव है और सौरभ तिवारी है, उसके बाद हार्दिक पांड्या है, करण पोलार्ड है, जसप्रीत बुमराह है, राहुल चहर है, ट्रेंट बोल्ट है और नथर किल्टरनेल और जेम्स ईशान, ये इनकी प्लेइंग 11 इस मैच में होनी चाहिए। हालांकि आपको बता दूं कि आज कुछ भी चेंज हो सकते हैं प्लेइंग 11 में। अगर ये टीम 150 रन से मैच जीतना चाहेगी तो शायद फिर देखते हैं क्या प्लेइंग 11 लेके आएगी, क्या ये डिकॉक को भी खिलाएंगे, क्या मतलब ये पोलार्ड को ऊपर भेजेंगे, कुछ तो करेंगे ना अलग। बाकी अगर इन्होंने हार मान चुके हैं तो फिर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये जिन प्लेयर को रिटेन करना चाहेंगे उनको प्लेइंग 11 में लाने की कोशिश करेंगे। मेगा ऑक्शन है, कम प्लेयर रिटर्न करने तो एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इस टीम में अगर ये प्लेइंग 11 होती है तो हमारी फैंटेसी की टीम में किस किस प्लेयर को होना चाहिए, रोहित शर्मा को आप ले सकते हो, बट मैं कहूंगा कि आप थोड़ा कैप्टन बनाने से अवॉइड करना अगर संदीप शर्मा खेलते हैं तब, क्योंकि संदीप शर्मा इनको बहुत जल्दी आउट कर देते हैं। ईशान किशन अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे लास्ट मैच में, आप इनको ले सकते हो और कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। सूर्य कुमार यादव थोड़ा टच में आने लगे हैं बट एक ही मैच में। उसके बाद सौरभ तिवारी ये ठीक ठाक खेल रहे हैं और हार्दिक पांड्या कोई फायदा नहीं है, किरण पोलार्ड को आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर ये तीन प्लेयर हैं, आप तीन में से चाहो तो तीन, चाहो तो दो प्लेयर पिक कर लेना, ठीक है। अब बॉलिंग में आप देखोगे आपके पास यहाँ पर ये तीन दो ऑप्शन काफी अच्छे हैं, फिर यहाँ पर आपके पास जसप्रीत बुमराह है, हालांकि बॉल्ट इस वक्त उतने अच्छी फॉर्म में नहीं है बट अच्छा है। मेरे हिसाब से हैदराबाद की टीम के जो यंग प्लेयर हैं, जो अनएक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं, उनको ये अपना शिकार बना सकते हैं। तो ट्रेंट बोल्ट को और कुल्टरनाइल को और जसप्रीत बुमराह को मैं अपनी टीम में रखने वाला हूं। अब गाइस बात करें हम यहाँ पर ग्रैंड लीग के बारे में, तो ग्रैंड लीग की टीम आप क्या कर सकते हो, ग्रैंड लीग की टीम आप थोड़ा सा अलग जा सकते हो। जैसे अगर राहुल चहर खेलते हो तो राहुल चहर को कैप्टन या ट्रेंट बोल्ट को कैप्टन बना सकते हो, क्योंकि इन दोनों को बहुत कम लोग लेने वाले हैं, बहुत कम लोग उनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएंगे, आप इसको ट्राई कर सकते हो। और साथ ही साथ सूर्यकुमार यादव पर लोगों का जो एक भरोसा है वो खत्म हो चुका है कि भाई कैप्टनसी के लिए भी एक ऑप्शन है, तो आप सूर्यकुमार यादव को भी कैप्टन बना सकते हो। अगर सूर्यकुमार यादव अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको अच्छे खासे पॉइंट लेकर जाएंगे। अब गाइस बात करें हम मुंबई के प्लेयर का आपके हैदराबाद के अगेंस्ट परफॉर्मेंस कैसा होता है, तो यहाँ पर आपको एक चीज वही देखने को मिलेगी जो मैं आपको बता रहा था कि रोहित शर्मा नहीं परफॉर्म कर पाते हैं हैदराबाद के अगेंस्ट। 17 मैच में 18 का एवरेज आपके एक ऐसे ऑलराउंडर का होता है जिसकी बैटिंग नहीं आती है, एवरेज होता है रोहित शर्मा का इस तरह का 41 का 46 का, बट यहाँ पर इस टीम के अगेंस्ट 18 का है। डिकॉक का एवरेज 41 का, और मैं चाहूंगा कि इस मैच में डिकॉक फिर से खेले, स्काई भी फ्लॉप होते हैं इस टीम के अगेंस्ट, किशन भी फ्लॉप होते हैं, मतलब फ्लॉप नहीं उतनी अच्छी इनिंग नहीं खेल पाते, हर मैच में लगभग वही एवरेज 18-20 रन का। और हार्दिक पांड्या तो बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप होते हैं, 12 का एवरेज 10 मैच में सिर्फ 96 रन और 5 विकेट, लेकिन पोलार्ड भाई गजब का खेलते हैं, 16 मैच में 418 बना करके 46 का एवरेज। दो ही प्लेयर आपको यहाँ पर परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं हैदराबाद के अगेंस्ट, वो है आपके डिकॉक और पोलार्ड। तो जो भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहे हो ग्रैंड लीग में, ये थोड़ा सा आप नोटिस कर लीजिएगा। अब बॉलिंग में आप देखोगे राहुल चहर 5 मैच में 5 विकेट, आपके जमीर ईशान 1 मैच में 21 रन 0 विकेट, बुमराह 11 मैच में 13 विकेट, बॉल्ट 7 मैच में 8 विकेट, सौरभ तिवारी ने भी 4 मैच में 36 बनाए हैं, एवरेज कुछ खास नहीं है, नथर किल्टरनेल 7 मैच में 9 विकेट और जयंत यादव 5 मैच में 2 विकेट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरी टीम में किल्टरनेल
प्लस बॉन्ट प्लस बुमराह, ये तीनों इंपॉर्टेंट है और तीनों ने अच्छे खासे विकेट हैदराबाद के अगेंस्ट निकाले हैं। ठीक है, अगर डिकॉक खोलते हैं तो डिकॉक का आप टीम में ट्राई करिएगा और कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो क्योंकि इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा होता है हैदराबाद के अगेंस्ट। अब बात कर लेते हैं हम आगे हैदराबाद की प्लेइंग 11 के बारे में। बहुत छोटा वीडियो बना रहा हूं मैं आपको, ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि दो मैच है तो दो मैच का वीडियो देखना आपके लिए थोड़ा सा एक भारी पड़ जाता है, इसलिए छोटे छोटे वीडियोस आप देख सकते हो। जेसन रॉय और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करेंगे। अभिषेक शर्मा को लास्ट में जो ट्राई किया गया था शायद एक बार फिर से ट्राई किया जा सकता है। अब वार्नर नहीं है तो परेशानियां तो उठानी पड़ेंगी ना भाई, इनको ओपनर ही नहीं मिल रहा वार्नर के जाने के बाद। उसके बाद कैन विलियमसन है, आपके प्रियम गर्ग हैं, आपके रिद्धिमान शाह हैं, अब्दुल समद हैं और आपके जेसन होल्टर हैं और राशिद खान हैं, आपके उमेश कुमार हैं, उमरान मलिक हैं और सिद्धार्थ कौल हैं। उमरान मलिक अगर ये इस प्लेयर को निखारते हैं तो ये फ्यूचर बन सकता है हैदराबाद का और टीम इंडिया का भी। अब ये हो गई प्लेइंग 11, इसमें बहुत सारे चेंज आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ये एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक्सपेरिमेंट में आप अंदाजा नहीं लगा सकते किस किस प्लेयर को खिला सकते हैं क्योंकि ये नेक्स्ट सीजन की सोचेंगे और नेक्स्ट सीजन के लिए ये उमरान मलिक को कंफर्म खिलाएंगे, भुवनेश्वर को भी खिलाएंगे और ये आपके राशिद और पता नहीं क्या चेंज कर सकते हैं। अब हमारी स्मॉल लीग की टीम में किस किस प्लेयर को होना चाहिए, जैसन रॉय को मैं टीम में रखूंगा, अभिषेक शर्मा अगर एक बार फिर से एज ओपनर खेलते हैं तो मैं अभिषेक को भी टीम में रखूंगा और कैन विलियमसन, ये तीन बैट्समैन मेरी टीम में हो सकते हैं या इनमें से कोई दो, ध्यान रखना। ठीक है, अब बॉलिंग में मैं राशिद खान को लूंगा और आपके जैसन होल्डर को लूंगा। अगर मैं एक और एक्स्ट्रा प्लेयर लूंगा तो फिर मैं भुवनेश्वर या उमरान मलिक या सिद्धार्थ कौल, इनमें से ही किसी को लूंगा, ज्यादा चांस होंगे सिद्धार्थ कौल के। ठीक है, तो ये स्मॉल लीग की टीम है। आप ग्रैंड लीग में आप क्या कर सकते हो, ग्रैंड लीग में आप उमरान मलिक को कैप्टन बना सकते हो। उमरान मलिक एक ही विकेट मिला अभी उसके आईपीएल कैरियर में, बट आप इनको ट्राई कर सकते हो एज ए कैप्टन क्योंकि स्पीड इनके पास है और जहां पर बैट्समैन थोड़ा सा स्पीड से वो कहते ना नजर हटी दुर्घटना घटी, वही वाला काम ये कर सकते हैं अपनी स्पीड से। और ग्रैंड लीग में तो आपको रिस्क लेना होता है, बिना रिस्क के तो आप ग्रैंड लीग भी कर ही नहीं सकते, तो आप उमरान मलिक को कैप्टन बना सकते हो ग्रैंड लीग की टीम में और साथ ही साथ आप अभिषेक शर्मा को कैप्टन बना सकते हो ग्रैंड लीग की टीम में अगर एक बार फिर से अभिषेक शर्मा ओपनिंग करते हैं। तो ये दो प्लेयर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे ग्रैंड लीग की कैप्टनसी के लिए। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये टीम देखोगे आप इसमें क्या गुल खिला रही है, आपको जैसन रॉय दो मैच में 105 बना करके टॉप के एवरेज लेकर चल रहे हैं 105 की, बाकी उसके अलावा वार्नर खेल नहीं रहे 42 का एवरेज और आपके शाह 39 का एवरेज, आपके पांडे 34 का एवरेज। अब इसके अलावा जो इनकी टीम है देखो, इसमें पांडे नहीं खेल रहे, इसमें शाह नहीं खेल रहे, इसमें शाह तो खेल रहे हैं, इसमें पांडे और वार्नर नहीं खेल रहे। अब इसके अलावा जो प्लेयर खेल रहे हैं विलियमसन 16 का एवरेज बहुत ही खराब, गर्ग 8 का एवरेज, 8 का एवरेज एक बॉलर का होता है, समद 13 का एवरेज एक बॉलर का होता है और अभिषेक शर्मा 9 का एवरेज। अब ये इनके मैन बैट्समैन है, अब मैन बैट्समैन का एवरेज 10 से ऊपर नहीं है तो क्या ही मैच जीतेगी ये टीम। तो बैट्समैन जो है सिर्फ विलियमसन को छोड़कर के, हालांकि विलियमसन का परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं होता इस टीम के अगेंस्ट, कोई भी बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर रहा इस टीम के अगेंस्ट। अब बाकी बॉलर्स की बात करें तो बॉलर्स का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, होल्डर ने एक मैच में 2 विकेट लिए हैं, आपके राशिद ने 9 मैच में 8 विकेट लिए हैं, आपके भूमि ने 15 मैच में 18 विकेट लिए हैं, आपके संदीप ने 14 मैच में 18 विकेट लिए हैं, आपके खलील ने 2 मैच में 4 विकेट लिए हैं, आपके सिद्धार्थ कौल ने भी सिर्फ 6 मैच में 12 विकेट लिए। तो सिर्फ बॉलर जो है वो परफॉर्म करते मुंबई के अगेंस्ट, इनके बैट्समैन कुछ नहीं करते, बैट्समैन जो करने वाले हैं जो रन बनाते हैं उनको इन्होंने बाहर कर रखा है, वार्नर और मनीष पांडे। ठीक है, तो ये है इस टीम की हालत मुंबई के अगेंस्ट। अब गाइज हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके मेरी टीम के बारे में, लेकिन उसके पहले यहाँ पर हम देख लेंगे आपके हेड टू हेड में प्लेयर पैटर्न। इसमें आप देखोगे संदीप शर्मा, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि संदीप शर्मा रोहित शर्मा को काफी अच्छे तरीके से आउट कर लेते हैं, उसमें आप देखोगे संदीप शर्मा सिर्फ 42 बॉल में 4 बार आउट किया रोहित शर्मा को, जिसमें रन खर्च करें सिर्फ 37, मतलब कि 100 के भी स्ट्राइक रेट से कम रन बनाते हैं रोहित शर्मा। और उसके अलावा आपके जो संदीप है वो स्काई, दो जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है मुंबई के, दोनों को अकेले संदीप शर्मा परेशान करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस टीम में संदीप शर्मा की वापसी हो और संदीप शर्मा को खिलाया जाए। अब खिलाएंगे किसी, यहाँ पर या तो आपको कोल को बाहर करना पड़ेगा या तो आपको भुवनेश्वर को या उमरान मलिक को, इन तीनों में से किसी को बाहर करेंगे। और मेरे हिसाब से लगता नहीं कि ये संदीप शर्मा की टीम में लेकर आएंगे क्योंकि गलत डिसीजन लेना इनकी एक आदत हो गई है। अब गाइस बात करें यहाँ पर टीम के बारे में, जो मैंने फिलहाल टीम बनाई हुई है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जो टीम बनाई है वो प्लेइंग 11 को देखकर बनाई है। अगर प्लेइंग 11 में चेंजेस होते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा कि आपने कैसे कैसे टीम बनानी है और फाइनल टीम मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। अब इसमें आप देखोगे जो मैंने टीम बनाई हुई है, विकेट कीपर मैंने फिलहाल लिया हुआ है किसको, ईशान किशन को, क्योंकि डिकॉक के चांसेस नहीं है प्लेइंग 11 में, तो मैंने ईशान किशन को एज ए विकेट कीपर रखा हुआ है। अगर डिकॉक खेलते हो तो मैं
100% डिकॉक के साथ जाऊंगा। उसके बाद मैंने बैटिंग में जेसन रॉय को लिया हुआ है, रोहित शर्मा को लिया हुआ है, सूर्यकुमार यादव को लिया हुआ है, कैन विलियमसन को लिया हुआ है। कैन विलियमसन का फॉर्म इस वक्त ठीक ठाक है, तो मैंने कैन विलियमसन को वाइस कैप्टन और रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया हुआ है। अगर डिकॉक खेलेंगे तो फिर मैं डिकॉक को कैप्टन बनाऊंगा। इधर अब ऑलराउंडर में करण पोलार्ड को लिया हुआ है, जसन होल्डर को लिया हुआ है, और बॉलिंग में मैंने जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, नदर कल्टरनेल। आपको एक चीज में बता दूं, अगर मुंबई की टीम पहले बॉलिंग कराती है, अगर मुंबई की टीम पहले बॉलिंग कराती है, तो आप आंख बंद करके जसप्रीत बुमराह या कल्टरनेल में से किसी को कैप्टन बना देना, आंख बंद करके, क्योंकि मैं भी वैसे ही करने वाला हूं। इसलिए बोल रहा हूं कि मैं टॉस के लिए रुका हुआ हूं, टॉस के टाइम पे मैं कंफर्म बता दूंगा कि ये प्लेयर आपका कैप्टन के लिए अच्छा होगा, इसको आप कैप्टन बना दो, आपको ढेर सारे पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो जिस भाई ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, अब आप वीडियो को लाइक करके डिस्क्रिप्शन में जाओ और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और साथ ही साथ जिस भाई को माइलन सर्कल पे करोड़ों रुपए जीतने हैं, भाई मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक दे रखा है, आप जाओ माइलन सर्कल ऐप इंस्टॉल करके साइन अप कर लो और लीडर बोर्ड से करोड़ों रुपए विन कर लो। धन्यवाद।